अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट वीडियोस में मैं अपना एक्सपीरियंस जो है बर्ड से रिलेटेड आपके साथ वक्तन शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें सर्दियों का सीज़न है और चिक्स की भी जो है ना काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है पैरट्स की। तो दाना तो आजकल वैसे भी बहुत महंगा है, तो इसका अपना ख़र्चा कम करने के लिए मैं आपको डिफरेंट टिप्स भी बताता जाऊँगा साथ साथ। दाना जो है ना वो एक्स्ट्रा एक चीज़ के तौर पर रख सकते हैं हम, कि बर्ड को आप सॉफ्ट फूड डालें, उसके साथ छली वगैरह कॉर्न वगैरह डालें। तो आज मैं कॉर्न लेके आया हूँ, तो आज इनको कॉर्न वगैरह देते हैं। आइए अपना कॉर्न देते हैं। ये जी मैं कॉर्न लेके आया था, पूरी बोरी लाया था, तो डाल तो चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूँ। तो ये टुक्का छली इसको बोलते हैं यहाँ पिंडी में। तो ये होता है कि जो बड़ी जो छली होती है ना, उसमें से जो छोटे साइज़ की जो बी ग्रेड होती है वो निकाल ली जाती है, तो वो सेल करते हैं। मैं भी आपको खोल के भी दिखाता हूँ। तो ये हैं जी हमारी जो है, जिसको हम तुक्का छली पठान वगैरह यहाँ पे बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें ये देखें, ये इस तरह के सॉफ्ट जो है ना, ये इसके होते हैं दाने। तो बर्ड्स जो है ना इसको बहुत पसंद करते हैं। ये देखें बहुत नरम होते हैं ये इस तरह से। ये सस्ती भी मिल जाती है, अगर वो 150 रुपये धड़ी मिलती है ना, यानी कि धड़ी में होते हैं 5 किलो, अगर वो 150 रुपये की 5 किलो मिलती है तो ये तकरीबन 60-70 रुपये की 5 किलो मिल जाती है। तो दाना जो है वो 100 रुपये से ऊपर का जा रहा है, 150 रुपये किलो जा रहा है, और ये जो छली है ये सस्ती पड़ती है। तो रोज़ मैं इस तरह से दो दो तीन तीन ये पैरेट्स हैं, इनको मैं काफ़ी सारी छलियाँ डाल देता हूँ इस तरह से। ये बड़ा इंजॉय करते हैं। ये देखें पहले मैंने डाली थी एक, तो ये फटाफट से आ जाते हैं मेरे के खा गए सर, बहुत पसंद करते हैं इनसे। इसमें इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं इनको काफ़ी सारी डाल दूंगा, अभी ये खाते रहेंगे और फ्री टाइम में ये इसको कुतरते रहेंगे, खाते रहेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, लेंथ अच्छी होगी। जो दूसरे पैर हैं चिक्स हैं जिनके, उनको भी मैं पूरी डाल देता हूँ, जिनके चिक्स नहीं हैं उनको मैं आधी डाल देता हूँ, किसी को एक डाल देता हूँ। ये लव बर्ड है, ये बहुत शौक से खाते हैं, इनको मैं तोड़ के डाल दिए। अभी मैंने पिंजरे खाली कर दिए हैं, जो पुरानी थी ना सारी वो निकाल दी हैं। ये देखिए एग्जीबिशन है, तो ये बहुत शौक से खाते हैं। ये लव बर्ड है, एल्बिनो रेड है इसके। ये देखें अभी मैं वीडियो बनाने के लिए आगे आया हूँ, ये पीछे हट गए, वरना अभी बहुत ज्यादा शौक से खा रहे थे। ये देखें जी कितने शौक से बर्ड्स जो है ना इसको खाते हैं। ये अभी एक तो लगा हुआ है ना खा रहा है, तो बाकी ये कैमरे की वजह से पीछे चले गए, तो मैं जो नज़दीक आ गया, अभी मैं दूर जाऊंगा तो ये फिर खाना शुरू कर देंगे इसके साथ। ये सारे चिक्स हैं, तो इसमें कुछ एडल्ट्स भी हैं, तो मैंने कहा ये खाएं और हेल्थ इनकी अच्छी हो। ये इसमें है और ये इसमें है। पिंडी में वैसे शाह बर्ड्स हैं, वहाँ से भी आपको छली आसानी से मिल जाती है, जो लोग उधर अंदरून शहर की तरफ हैं पिंडी में, वो दाने के साथ छली भी रखते हैं। कई लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि जी मुझे बहुत दूर हमें जाना पड़ता है, तो हमें छली बहुत महंगी पड़ती है, और मतलब डिफरेंट बातें होती रहती हैं ना, तो उनके लिए आसानी ये है कि उनको वहाँ से कॉर्न मिल सकती है, दाना भी लें, छली भी डालें, डिफरेंट चीज़ डालते रहें, सब्जियां भी डालनी चाहिए इनको। तो बस ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वीडियो, दाने के साथ सॉफ्ट फूड भी होना चाहिए, सॉफ्ट फूड भी की भी वीडियो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो कॉकटेल की अच्छी ब्रीड करने के लिए, क्योंकि मुझे कॉकटेल का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कॉकटेल की ब्रीड अच्छी करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब तक सिर्फ इतना, तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।